सो जी, अपनी ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये 100% फिक्स हो गई है। तो बहुत दिन से मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कब ये लीड आए और मैं इसको लेके आऊँ और फिर अपनी बाइक में लगाऊँ। तो ये मैं जी, ये है अपनी न्यू सेंसर लीड और काम भी प्रॉपर कर रही है, अभी चल रहे हैं एक। हाल चाल है गाइस, आप लोगों के होप सो आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो अभी क्या है, अभी मेरे को जो काम करना है अपनी बजाज एवेंजर में, जो कि कल के ब्लॉग में आपने देख लिया था, जो मैं लीड लेके आया था, लीड लेके आया था, उस लीड को अपनी बाइक में करना है इंस्टॉल। कैसे कैसे इंस्टॉल करना है और उसका वायर कहाँ से आता है, क्या क्या चीज़ों को निकालना पड़ेगा, कौन से बोल्ट मिलने पड़ेंगे, सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। और ये मैं दिखा दूँ आपको लीड, ठीक है, ये है देखो, ठीक है। सो ये है अपनी जो सेंसर वाली लीड है, तो इसका जो जो नंबर जो है वो ये है PD403602, ये इसका नंबर है। और जो MRP है वो है 524 रुपये, ठीक है। और सेंसर स्पीड वायर, सो चलो जी इसको करते हैं इंस्टॉल। बाइक मैंने अपनी देखो जी यहाँ खड़ी कर ली है, ये देखो जी अपनी बाइक खड़ी हो गई है। तो पहले अपने को क्या है कि इसकी पीछे की सीट खोलनी है, फिर टैंक खोलना है इसका, और ये जो कटी हुई वायर है ना इसको चेंज करना है। तो पहले तो मेन टास्क ये रहेगा, पहले इसको खोलना है, फिर इसको खोलना है। और इसके नीचे जो वायर है ना, एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से ये जो वायर है ये अंदर की साइड जा रही है, ये आपको आई थिंक सो दिख पा रही होगी, ये अंदर की साइड जा रही है, यहाँ से निकालना है इसका कपलर, और एक यहाँ से निकल जाएगा, इसका बोल्ट खुलना है यहाँ से, तो ये चीज़ें डन हो जाएंगी। तो चलो जी शुरू करते हैं खोलने वाले का काम इसका, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर लो, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट ब्लॉग्स आते हैं सबको पता आपके पास पहुँचने पाए और आप इन्जॉय करने पाए। और अपनी KTM को भी टेस्ट राइड के लिए भी लेके जाना है कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ तक सही हुई है, कहीं नहीं है, कहाँ तक सही हुई है या नहीं हुई है, तो ये भी चीज़ें चेक करनी है। चलो गाइस करते हैं, पहले इसको खोलते हैं पहले, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं इसको खोलने का काम। कैमरा मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेट। देखो ये खुल गई, ठीक है, ऊपर की जो सीट है ये नहीं खुल गई। अब ये दो बोल्ट खुलने वाले टंकी के, ये दो बोल्ट खुल गए, इसको निकालना है, ऊपर करना है। और इसका वायर मैं दिखा दूंगा एक बार आपको, ठीक। एक बार देखो ये वाली, देखो लीड जो है ना, ये कपलर जो है अपना, ये निकालना है पहले ये, और फिर हमको करनी है ये इंस्टॉल। तो चलो पहले मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लो जी गाइस, बाइक मैंने कर दी है पैक, सारी चीज़ें अपनी कर दी है, अपनी सीट भी लग चुकी है और अपने टैंक को लगी गए हैं। और मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखो जी, ये है अपनी न्यू सेंसर लीड और काम भी प्रॉपर कर रही है, अभी चल रहे हैं एक राइड पे चल रहे हैं अभी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि लीड वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और सीधे मैं अभी एक राउंड लगाने चल रहे हैं मोटो ब्लॉक करने के लिए, और उनके बाद करते हैं, ठीक है। चलो नहीं चलते हैं सीधे। लो जी, ओवरऑल अपनी बाइक का जो लुक है ना, एक बार चेक मारो, ये कुछ इस तरीके से अपनी बाइक, नकल गार्ड्स और स्टॉक मिरर्स है, ठीक है, पीछे बैक रेस्ट अपना ये वाला, और जो अपनी सेंसर वाली लीड जो न्यू है वो यहाँ से कट चुकी थी, यहाँ से आई थिंक सो यहाँ से कटी थी, तो ये सब चीज़ें लग गई हैं। तो चलो पहले इसको एक छोटी सी राइड करके आता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको।
सो लो जी गाइस, अपन आ गए बाहर। ठीक है, तो ये करी ऑन। ठीक है, सेल्फ लिया और एबीएस की लाइट गॉन और अपना जो स्पीडोमीटर वायर है ना प्रॉपर काम कर रहा है। तो एक बार बढ़िया भगाते हैं, बढ़िया। चेक आउट गाइस, 50-60 की स्पीड, भाई क्या ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। पता नहीं चलती है जब ये इतनी तेज़ भागती है ना गाड़ी, तो बिल्कुल भी यार बिल्कुल भी पता नहीं पड़ पाती है कि कितनी स्पीड में है कितनी नहीं है। सो एक बार और चेक मारो गाइस। अरे बाप रे, रॉन्ग साइड में इतनी तेज़ी में लेके आया बंदा। लो जी, एक बार और फिर से भगाते हैं अपनी बाइक को। ओहो, भाई साहब पूरा का पूरा खोद डाला भाई, पूरा का पूरा। कुछ बन रहा है क्या, है क्या नहीं है, लेकिन भाई हालत ना सब जगह की इतनी बेकार कर रखी है इन लोगों ने। सो जी, अपनी ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये 100% फिक्स हो गई है। तो बहुत दिन से मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कब ये लीड आए और मैं इसको लेके आऊँ और फिर अपनी बाइक में लगाऊँ। तो ये मैंने खुद ही लगा ली है, मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको मैंने बता ही दिया है कैसे कैसे चीज़ें खोलनी हैं और इंस्टॉल करनी है। ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम है नहीं, थोड़ी सी चीज़ों का काम है गाइज़, आप खुद भी कर सकते हो। और सही बताऊँ तो भाई काफ़ी पैसे बचा सकते हो, काफ़ी पैसे। ठीक है, अब इसी को कम से कम सर्विस सेंटर पर आई थिंक सो भाई इस वाली चीज़ के लिए ही ना कम से कम मेरे ख्याल से 200-300 रुपये तो वो ले ही लेते खोलने खोलने के, क्योंकि टैंक भी खुलता अपना, उसके नीचे से कपलर है, कपलर निकलता। तो ये सारी चीज़ है भाई, इतना पैसा तो ये ले ही लेते। और बाकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना अपनी बजाज एवेंजर से या फिर अपनी KTM RC 200 से गाइज, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को फॉलो कर लो और वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो गाइज। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, बेल आइकन को ऑल कर दो ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग्स आते हैं गाइज सबसे पहले वो आपके पास पहुँचने पाए और आप इन्जॉय करने पाए लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट राइड को। चलो जी गाइज, अभी तक के लिए यहीं पे ही वीडियो करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।